हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं। देखो, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, VLDL क्या होते हैं, HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कितने टाइप है, काइलोमाइक्रोन क्या होता है, सारी चीज़ें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में नोट्स दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मैं बोलता हूँ चैनल को विजिट करके देखो। एक बार मेरे चैनल के अंदर जाओ, विजिट करो, बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री की वीडियो डली हुई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रुको, स्किप मत करो, स्किप करने से पहले पूरी वीडियो को जरूर देखना यार। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, नोट्स भी दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाऊंगा, क्लियर है, समझो। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये समझो। देखो, कोलेस्ट्रॉल, इसके पहले फैट वाली लिपिड वाली वीडियो बनाइए, विजिट करके देखो, उसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्स एंड फैट लाइक सब्सटेंट विच इज फाउंड ऑल बॉडी पार्ट एंड इट सर्कुलेट बाय ब्लड प्लाज्मा। बोलना चाहता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो वैक्स और फैट की तरह गाढ़ा होता है, यह गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है और यह रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में परिवहन करता रहता है। सिंपल बात है, जो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, यह गाढ़ा होता है, एक थिक फ्लूइड होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है वैक्स की तरह, फैट की तरह, जो कि हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड में होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, और हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता रहता है यहाँ से वहाँ, काय के द्वारा, रक्त के, जब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और कहीं कहीं फंस जाता है, हार्ट अटैक होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो आगे बताऊँगा गुड और बैड में क्या अंतर है। देखो, सम टाइम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर हेल्पफुल फॉर बॉडी एंड सम टाइम आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अकॉर्डिंग टू दिस, जो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो जो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं बी गुड एंड बैड। देखो, सिंपल बोल रहा हूँ मैं, सिंपली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और कुछ जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इस आधार पर कोलेस्ट्रॉल को दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट चीज देखो। अब देखो, सिंपली लिपोप्रोटीन समझो। देखो, बताऊंगा मैं LDL, VLDL, HDL भी, बट जो VLDL, LDL, HDL जो होता है वो लिपोप्रोटीन ही होता है। तो पहले VLDL, LDL, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल को समझने से पहले लिपोप्रोटीन समझना जरूरी है। तो जो लिपोप्रोटीन मोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स विच इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, बोलना चाहता है कि जो लिपोप्रोटीन ऐसे मोलिक्यूल होते हैं जो कि लिपिड और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनते हैं। अभी अभी बताया तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कि जो लिपोप्रोटीन का मतलब होता है जब लिपिड के साथ प्रोटीन आकर जुड़े, है ना, तो इसे क्या बोलूंगा, लिपोप्रोटीन। कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिपिड में पढ़ाया था मैंने आपको, देखना लिपिड वाली वीडियो जाके मेरी। देखो, नेक्स्ट चीज देखो, दोस प्रोटीन बाइंड विथ लिपिड विच इज कॉल्ड एपोप्रोटीन। बोल, देखो, वो प्रोटीन, जब मैंने बोला कि जो प्रोटीन है वो लिपिड से आकर जुड़ जाएगा, तो उस प्रोटीन को मैं एपोप्रोटीन कहूँगा, ठीक है। इसको आप लोग नेक्स्ट डायग्राम में आप समझ सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में समझो जरा, ये डायग्राम देखो, ये एक सिंपली बात कर रहा है इसमें, ये लिपोप्रोटीन की। तो ये लिपोप्रोटीन का जो मोलिक्यूल है ना, इसमें आपको बताया गया है कि लिपोप्रोटीन का मोलिक्यूल है जिसमें जो ऊपर ही ऊपर जुड़ा है ना, इसको एपोप्रोटीन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं प्रोटीन आके जुड़ जाएंगे, इसको एपोप्रोटीन के नाम से हम लोग जानते सिंपली, ठीक है। पहले इसको समझ लो, नेक्स्ट चीज इसको, वन मिनट गाइस, मैं इसको आपको बैक करके बताता हूँ, ठीक है। यही बोला मैंने कि जो एपोप्रोटीन के नाम से जानेगी, जो लिपिड के ऊपर प्रोटीन आके जुड़ेगा, उसे एपोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, लिपोप्रोटीन इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड। बोलना चाहता है कि जो लिपोप्रोटीन वसा में परिवहन का कार्य करता है, वसा जो फैट है ना, फैट को ट्रेवल करवाता है हमारे शरीर के अंदर, कंटिन्यूसली शरीर में ट्रेवल करवाता है कौन, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन एक मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर बैठेगा कोलेस्ट्रॉल और उसको ट्रांसफर करवाएगा, लिपिड को ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है। लिपोप्रोटीन इज
डिलीवर लिपिड कंपोनेंट, देखो बोलना चाहता है वही, डिलीवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, जैसे कि कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह हुआ, वेरियस टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन। बोलना चाहता है लिपोप्रोटीन लिपिड वाले भाग जैसे कि कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड को अलग अलग टिश्यू तक भेजने का कार्य करता है। वो हमारे बॉडी में अलग अलग टिश्यू तक पहुँचाएगा, किसको? लिपिड को। कौन पहुंचाएगा? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन एक मोटरसाइकिल है जिसपे लिपिड बैठेगा और पूरे शरीर में घूमकर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज देखो आप इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आर एम्फीपैथिक इन नेचर, इट इज सोल्यूबल इन एक्वस सोल्यूशन। बोलना चाहता है लिपोप्रोटीन एम्फीपैथिक नेचर में होता है। एम्फीपैथिक का मतलब बताया था कि ऐसा पार्ट जो कि पानी में घुल जाए और कुछ पार्ट पानी में ना घुले, उसे एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। डायग्राम देख लो इसका स्ट्रक्चर। देखो लिपोप्रोटीन में सिंपली एक लिपोप्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, प्रोटीन ये ला बड़ा सा प्रोटीन, इस प्रोटीन को मैं एपोप्रोटीन के नाम से बुलाऊंगा। एक होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का सिंपली मतलब होता है जो कि फॉस्फेट भी है और लिपिड भी है। फ्री कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी है, कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल बाउंड फैटी एसिड भी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक जल्दी से। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। अब इसको जो लिपोप्रोटीन है, हम अब वो जो उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो काइलोमाइक्रोन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और होता है HDL जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसमें से बैड कोलेस्ट्रॉल ये वाला है और गुड कोलेस्ट्रॉल ये वाला है। अब आगे बताऊंगा क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, देखो सिंपली आगे बढ़ता हूं मैं। यहां से पहले मैं बोल रहा हूं काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन क्या होता है, सबसे पहले देखो काइलोमाइक्रोन आर फॉर्मड इन द, ये भी एक लिपोप्रोटीन, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करवाता है। काइलोमाइक्रोन आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन म्यूकोजल सेयर, इट इज सीक्रेट इन टू लिम्फेटिक सिस्टम। बोलना चाहता है कि जो काइलोमाइक्रोन छोटी आंत के अंदर बनता है वो म्यूकोजल कोशिकाओं में बनता है और यह लिया लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसफर होता है डायरेक्टली। ये कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा? हमारे लिम्फेटिक बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज बोल रहा है जो काइलोमाइक्रोन आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड, जो काइलोमाइक्रोन के पास बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा में ट्राइग्लिसराइड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इट ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू एडिपोज टिश्यू, यह ट्राइग्लिसराइड को छोटे आंत से एडिपोज टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, जो कि कहां से कैरी करेगा? हमारी इंटेस्टाइन से लेगा, और इंटेस्टाइन से लेकर कहां जाएगा? बॉडी के वेरियस टिश्यू तक, अलग अलग टिश्यू तक वो सेंड करता है। नॉर्मल रेंज एक सामान्य संकृति होती है 400 से लेकर 600 mg पर डेसीलीटर, यह यूनिट है। ये यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि काइलोमाइक्रोन कितने परसेंट होता है। इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं। ठीक है, वो किया आपने। अब देखो नेक्स्ट आता है VLDL, फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है, बहुत ही कम। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर फ्रॉम ग्लिसरॉल। देखो सिंपली बात है कि जो ये सिंथेसाइज क्या होता है लीवर में, ग्लिसरॉल से बनता है एंड फैटी एसिड से बनता है, और VLDL जो होता है कंबाइंड विथ हिपेटिक कोलेस्ट्रॉल से भी जुड़ा होता है। देखो यह लीवर के अंदर बनता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से बनता है, और यह बाद में हिपेटिक कोशिकाओं से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट चीज इसमें है, इट ट्रांसपोर्ट अ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू फॉर एनर्जी नीड। देखो ये बोल रहा है कि यह ट्राइग्लिसराइड और लीवर से लेकर, जो को ट्राइग्लिसराइड को लीवर से कैरी करेगा और पेरिफेरल टिश्यू तक लेकर जाएगा। हमारे जो है ना, हमें टिश्यू की जब टिश्यू में जब एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब ये वहां पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड को हम ऊर्जा का अणु भी बोलते हैं। लिपिड वाली वीडियो में देखना मैंने बताया। नॉर्मल रेंज कितनी होती है भैया इसकी? 20 से लेकर 40 mg पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है यूनिट भी। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज,
नेक्स्ट चीज आपको डिस्कस करना है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कम डेंसिटी वाला। इसमें क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, इट इज पार्ट ऑफ VLDL। देखो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ही पार्ट होता है, ठीक है। बट इसकी ये लो डेंसिटी, ये वेरी मतलब बहुत कम डेंसिटी वाला है था, इसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई, इसीलिए हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। देखो क्यों कहते हैं, इट ट्रांसपोर्ट अ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से पेरिफेरल टिश्यू तक भेजते। अब देखो लीवर में से कोलेस्ट्रॉल उठाया, बेचारे को बैठा था कोलेस्ट्रॉल लीवर में, वहाँ से उठा के कहाँ लेके चला गया, हमारे टिश्यू तक लेकर चला गया, और टिश्यू से ये हमें ब्लड में भेज देता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है गाढ़ा सब्सटेंस होता है, ब्लड को गट्ठा कर देता है, टाइट कर देता है, फिर हमारे हार्ट में जाता है, वहाँ पर हार्ट अटैक होता है, इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ इंक्रीज इन ब्लड, बोलना चाहता है यदि ये ब्लड में बढ़ गया तो रिस्पॉन्सिबल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। यदि इसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो यह हृदय संबंधित बीमारियों को करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ करता है। कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, हमारे शरीर में 80 से 150 mg पर डेसीलीटर नॉर्मली होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें प्रॉब्लम है, कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम ही है, बट बढ़ना नहीं चाहिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज पे आता हूँ मैं, हाई डेंसिटी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल एंड रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन। बोलना चाहता है ये छोटी आंत में बनता है पर कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है और सीधे रक्त में परिवहन करवा दिया जाता है, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में से छोड़ दिया जाता है। इट टेक फ्री कोलेस्ट्रॉल, या वहाँ से फ्री कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड से लेता है और पेरिफेरल टिश्यू एंड ब्लड से लेकर ये हमारे लीवर तक जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू और रक्त से लेकर हमारे लीवर तक जाएगा। अब ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहूँगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड में से निकालता है, लीवर तक लेकर जाता है और लीवर से फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, सिंपली 30 से लेकर 60 mg पर डेसीलीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एग्जाम में आती है चीजें भी, ठीक है। तो यार ये चीज़ें आप, आई होप कि आपको लो डेंसिटी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्लियर होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, विजिट करके देखो चैनल, सारे वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।